फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम तीन डिफरेंट टाइप के सम की बात करेंगे। सम एक मेरे को नॉर्मल सम लगाना है, सम इफ मेरे को एक कंडीशन के बेसिस पे कुछ कंडीशन मीट कराते हुए कुछ सम लगवाना है, या सम इफ एस मुझे मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे सम लगवाना है अपने डेटा पे। तो फ्रेंड्स, तीन फॉर्मूले सम, सम इफ एस, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स देख लेते हैं, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। मेरे को सम लगाना है फ्रेंड्स इस डेटा के अंदर कि मेरी टोटल सेल कितनी हुई है, राइट? तो मेरे को सम का यूज करना है, या मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि फ्रेंड्स मेरे को सम इफ, सम इफ क्या है, मेरे को ये पता लगाना है कि स्टोर नंबर 3000 पे टोटल कितनी सेल हुई है, स्टोर नंबर 1050, अलग अलग स्टोर है, अलग अलग सेल हुई है, राइट? वहां पर मेरी टोटल सेल कितने की है, टोटल मेरे कितने यूनिट सेल हुए हैं, राइट? या सम इफ एस मल्टीपल कंडीशंस मीट करानी है, जैसे कि स्टोर नंबर 3000 पे, राइट, प्रोडक्ट कोड E0030M, इस स्टोर नंबर पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इस स्टोर पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हुए होंगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्च के मंथ में, अलग अलग मंथ की सेल है मेरे पास, बट मार्च के मंथ में टोटल सेल कितनी है। अपने डेटा को फ्रेंड्स मैं एनालाइज करना चाहता हूं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, तो मैं सम के थ्रू कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स ये तीन फंक्शन आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम विजयन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में तीन डिफरेंट सम के फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक सीरीज फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर पांच वीडियो की सीरीज होगी। सेकंड वीडियो आज का, लास्ट वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग फीचर्स के बारे में बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। अगर आप कॉर्पोरेट में एंट्री का प्लान कर रहे हैं, राइट, आप कंपनी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, या अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है और एक्सेल में दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, कि पांच वीडियो की सीरीज आपके काफी काम की होगी, तो प्लीज इस पांच वीडियो की सीरीज को जरूर देखिएगा। आज का ये दूसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के जो मेरे और वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने है, करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सम के बारे में। सम के बारे में, सम क्या है फ्रेंड्स, मेरे को टोटल मेरे पास किसी कंपनी की सेल है, मुझे उसका सम निकालना है कि भाई मेरी टोटल सेल कितने की हुई है। सिंपल फंक्शन है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। क्या यूज करना है फ्रेंड्स, मेरे को फंक्शन यूज करना है सम, नीचे जो शीट का नाम है वो फंक्शन का नाम है, राइट? तो आप लगाएंगे फंक्शन इक्वल्स टू एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं हम, इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं, मैंने सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड देन फ्रेंड्स जो मेरा डेटा है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, मैं माउस की हेल्प से या कीबोर्ड से कैसे भी सेलेक्ट कर सकता हूं, एंड ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया और एंटर किया, एंटर किया फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसने मेरे को टोटल सेल बता दिया कि टोटल मेरी जो सेल हुई है वो कितने की हुई है। सेम वे फ्रेंड्स मुझे यूनिट्स निकालने हैं कि टोटल मेरे यूनिट कितने सेल हुए हैं, राइट? तो मेरे को इक्वल्स टू अगेन सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मेरे को इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, राइट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मेरे को इसने नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया कि भाई टोटल मेरे यूनिट ये सेल हुए हैं, टोटल मेरी जो सेल हुई है वो इस अमाउंट की हुई है, ठीक है जी। यहां पर फ्रेंड्स एक शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल्स टू, आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं ऑल्ट इक्वल्स टू यूज कर लेता हूं, ऑल्ट इक्वल्स टू। और जैसे ही फ्रेंड्स मैंने ऑल्ट इक्वल्स टू किया, ये ऑटोमेटिकली आपकी रेंज को सेलेक्ट करके सम लगा देता है। शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल्स टू, बट ऑल्ट इक्वल्स टू यूज करते टाइम मुझे इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार ये गलत रेंज, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है उसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह पर सम लगाना चाहते हैं, राइट, तो ये रेंज अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है जो नियरेस्ट रेंज इसको मिलेगी, तो कई बार वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं भी हो सकती है, तो जो रेंज ये सिलेक्ट करेगा वो प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आप इसको मैनुअली यूज करेंगे। एंटर किया मैंने तो इसने मेरे को सम दे दिया। तो ये था मेरा सम फ्रेंड्स। सम इफ क्या है, सम इफ मतलब कंडीशन के बेसिस पे सम, जहां पर भी फ्रेंड्स इफ आ जाता है, इफ मतलब कोई कंडीशन पूरी होगी तो सम लगाना है, कंडीशन पूरी नहीं होगी तो सम नहीं लगाना है, राइट, कंडीशन पूरी होगी तो सम लगाएंगे, सम इफ कंडीशन क्या है समझते हैं फ्रेंड्स, राइट। डेटा है फ्रेंड्स मेरे पास, जिसके अंदर जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च मंथ, अलग अलग महीने का सेल की फिगर है, अलग अलग स्टोर से सेल हुई है, किसी कंपनी के मल्टीपल स्टोर हैं, आप देखेंगे मल्टीपल स्टोर है, स्टोर नंबर है यहां पर, राइट, हर स्टोर को एक आईडी दी हुई है, उनकी आईडी है, प्रोडक्ट के कोड है, कौन सा मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ उनके कोड है, तो नाम नहीं है यहां पर, प्रोडक्ट का कोड है, कितने की मेरी सेल हुई उस आइटम की और कितने यूनिट सेल हुए, तो जितनी सेल हुई हर आइटम की मल्टीपल लाइंस होगी इसके अंदर, राइट, तो बड़ा डेटाबेस है ये। इसके अंदर फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को सम चाहिए स्टोर नंबर 3000 से, स्टोर नंबर 3000 से मेरे को यहां पर टोटल यूनिट्स चाहिए और टोटल सेल चाहिए, ठीक है जी। तो टोटल यूनिट स्टोर नंबर 3000 के मुझे चाहिए, कैसे निकालूंगा, एक तरीका फ्रेंड्स आप कहोगे जी फिल्टर करके भी कर सकते हैं हम, तो यहां पर स्टोर नंबर 3000 पे हम फिल्टर लगा लेंगे, हमें पता चल जाएगा, बट फ्रेंड्स इस नंबर को मेरे को एक रिपोर्ट में दिखाना है, राइट, तो मैं बार बार फिल्टर नहीं लगा सकता, मैं एक फॉर्मूला लगा के छोड़ दूंगा, राइट, और कल को यहां पर मान लो डेटा आपका प्लस माइनस होता है तो वो आपका नंबर ऑटोमेटिकली चेंज भी होता रहेगा, राइट, तो मेरे को यहां पर टोटल यूनिट निकालने हैं। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे सम इफ,
एस यू एम आई एफ सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट राइट। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या पूछता है, रेंज। फॉर्मूला ना फ्रेंड्स खुद ही बताता है आपको कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। आप इसको पढ़ते रहो, देखो ही नीचे पहला आइटम इसने बोल्ड कर दिया रेंज। इसको रेंज किस चीज की रेंज, जिसके बेसिस पे आपको सम लगाना है। क्या स्टोर नंबर, स्टोर नंबर 3000, तो स्टोर की रेंज बताओ जहां पर मेरे को सारे 3000 के स्टोर मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने बोला जी रेंज कहां है, कॉलम बी में, तो मैंने पूरे कॉलम बी को सिलेक्ट कर लिया। पूरे कॉलम बी को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है कि इसके नीचे नया डेटा ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये नंबर अपडेट होता रहेगा। आप चाहो तो इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो जितना है, बट जनरली मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूं। नीचे अगर और कुछ और डेटा नहीं है, अगर नीचे आपके कुछ और डेटा है तो आप फिर पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, बट मैं कॉलम बी को सिलेक्ट करूंगा यहां पर। ठीक है जी, कोमा, देन क्या पूछता है, क्राइटेरिया। मतलब इस पूरी रो, इस पूरे कॉलम के अंदर मल्टीपल टाइप के स्टोर है राइट। मेरे को कौन सा चाहिए, स्टोर नंबर 3000, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, 3000, तो मैं यहां 3000 को सिलेक्ट करूंगा। 3000 को मैंने सिलेक्ट किया, कोमा। देन क्या पूछता है फ्रेंड, सम रेंज, यानी कि सम कहां से लगाना है मुझे वो रेंज बता दो। टोटल यूनिट मुझे चाहिए, तो ये यूनिट जो कॉलम ई है मेरे को रेंज इसकी बतानी है। मैंने ई को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को किया फ्रेंड्स क्लोज, एंटर। आप देखेंगे 7538 इसने बता दिए टोटल यूनिट सेल हुए हैं। सिंपली फ्रेंड्स मेरे को इसको कॉपी करना है और नीचे इसको पेस्ट कर देना है। नीचे इसको पेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला आपके सारे स्टोर नंबर के सम बता देगा। ये अगर आपके मल्टीपल स्टोर नंबर है, आप जहां जहां कॉपी करेंगे उन सबका ही आपको सम बता देगा राइट। टोटल सेल, अब टोटल सेल कितनी है वो निकालनी है, सेम सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। रेंज क्या है फ्रेंड्स मेरी, 3000 स्टोर नंबर जहां आएगा, मतलब कॉलम बी जहां पर भी ये स्टोर नंबर आएगा वो वाली मेरी रेंज, कोमा। एंड देन क्राइटेरिया, व्हाट इज माय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज दिस स्टोर नंबर, तो मेरे को स्टोर नंबर को सिलेक्ट कर लेना है राइट, कोमा। एंड देन सम रेंज, मुझे रेंज बतानी है, तो सम रेंज किसकी, टोटल सेल की। आई विल सिलेक्ट दिस सेल्स राइट, मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, एंटर राइट। इसको मैंने कॉपी करना है और नीचे तक इसको कंट्रोल वी, कंट्रोल सी करके कॉपी, कंट्रोल वी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये आपको टोटल सेल बता देता है। तो आप स्टोर नंबर के बेसिस पे सम चाहिए, आप स्टोर नंबर के बेसिस पे निकाल सकते हैं। आपको प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे चाहिए, आप प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। मैं एक आइटम यहां पर निकाल देता हूं, बाकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस फाइल आप इसकी डाउनलोड कीजिएगा, बाकी आइटम आपको ट्राई कीजिएगा। इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, व्हाट इज माय रेंज। अब इसमें ध्यान रखना है किसके बेसिस पे मुझे सम निकालना है, प्रोडक्ट कोड, मुझे प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे सम निकालना है। तो अब मेरे को रेंज किसकी देनी है, स्टोर की नहीं देनी, प्रोडक्ट कोड की। तो जिसके बेसिस पे सम निकालना है मेरे को रेंज वो देनी है, कोमा। एंड देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया व्हाट इज माय क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज नाउ प्रोडक्ट कोड, आई विल सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट कोड, कोमा। एंड देन सम रेंज, मुझे सम रेंज बतानी है, सम रेंज किसकी, यूनिट्स, मेरे को यूनिट्स का सम निकालना है तो मैं यूनिट की रेंज दूंगा। ठीक है जी, सिंपल है बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, आप देखेंगे इसने टोटल यूनिट दे दिए, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया सारे यूनिट, टोटल सेल। फ्रेंड्स प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके अपने आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहां तक का अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को तो उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है राइट, तो प्लीज वीडियो को यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा। देन बात करते हैं फ्रेंड्स सम इफ एस, सम इफ वहां पे सम इफ था, यहां पर सम इफ एस है। सम इफ केवल एक सिंगल कंडीशन पे काम करता है फ्रेंड्स, एक कंडीशन, या तो मेरा स्टोर नंबर था राइट, एक स्टोर नंबर था या मेरा एक प्रोडक्ट कोड था। जहां पर मेरे पास फ्रेंड्स मल्टीपल कंडीशन आ जाती हैं, मल्टीपल अगर कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, मेरे को मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे सम लगाना है, तब मेरा सम इफ काम नहीं करेगा। देन मेरा क्या काम करेगा, सम इफ एस, सम इफ काम नहीं करेगा, सम इफ एस काम करेगा। सम इफ एस फ्रेंड्स मल्टीपल कंडीशंस हैंडल कर सकता है, मल्टीपल कंडीशंस हैंडल कर सकता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स पहले लेते हैं हम स्टोर नंबर 3000, सिंगल कंडीशन है, तो सम इफ एस फ्रेंड्स सिंगल कंडीशन पे भी काम करेगा और मल्टीपल। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस जो करेंगे ना वो सम इफ एस की करना, क्योंकि सम इफ एस के लिए आपको सोचना नहीं है सिंगल कंडीशन मल्टीपल कंडीशन राइट। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, सम इफ एस अगर केवल स्टोर नंबर 3000, एक ही क्राइटेरिया है कि मेरे को स्टोर नंबर 3000 की सेल चाहिए, टोटल सेल चाहिए राइट, टोटल सेल राइट स्टोर नंबर 3000 की, तो मैं क्या लगाऊंगा, सम इफ एस, मैंने सम इफ से लगाया, अब सम इफ एस इक्वल्स टू एस यू एम आई एफ एस, सम इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, और ब्रैकेट स्टार्ट करके फ्रेंड्स मेरे को क्या पूछता है, देखो पढ़ लो, सम रेंज। सम इफ के केस में इसने पहले क्राइटेरिया की रेंज पूछी थी, यहां पूछ रहा है सम रेंज। ध्यान रखना क्राइटेरिया थोड़े आगे पीछे हो गए, बट सब कुछ वही है,
सम रेंज मतलब किस चीज का सम लगाना है, यहां सबसे पहले सम पूछ रहा है, वहां सम बाद में पूछा था इसने, मेरे को सेल का सम लगाना है, मैंने सेल का पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, कोमा, देन क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया की रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा, ध्यान देना, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मेरा क्या है, स्टोर, इसकी रेंज क्या है, स्टोर कहां मिलेगा, कॉलम बी में, तो मेरे को इसकी रेंज देनी है, मैंने स्टोर की रेंज को सिलेक्ट किया, कोमा, एंड देन क्या पूछता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा क्या है, मेरा क्राइटेरिया है स्टोर नंबर, मैंने स्टोर नंबर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, आंसर आ गया 491064। आप देखेंगे मैंने सम इफ एस के थ्रू जब आंसर निकाला 491064, सम इफ एफ, सम इफ के थ्रू भी फ्रेंड्स यही सेम आंसर आया था 491064, राइट। तो दोनों फॉर्मूले सेम रिजल्ट देते हैं क्योंकि मेरा डेटा सेम है, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरी कंडीशन बढ़ जाती है, स्टोर नंबर 3000 पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हुए हैं, स्टोर नंबर 3000 पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हुए हैं, व्हाट आई वांट, मेरे को उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, मेरे को चाहिए E0030M, E0030M की कितनी सेल हुई है स्टोर नंबर 3000 पे। दो क्राइटेरिया, स्टोर नंबर 3000 ढूंढो और उसके अंदर जाके ढूंढो E0030M। तो दो क्राइटेरिया फ्रेंड, सम इफ काम नहीं करेगा, यहां काम करेगा सम इफ एस। कैसे करेगा, इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, सबसे पहले पूछता है सम रेंज, तो मेरे को सेल की रेंज बतानी है, ठीक है जी, कोमा, आपके केस में मल्टीपल अगर अमाउंट के कॉलम है तो जिसका भी आपको सम निकालना है, यूनिट, सेल या और भी कुछ है तो आप वो निकालेंगे उसका, राइट। देन क्या पूछता है, क्राइटेरिया रेंज, लेकिन यहां पर फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देना, ये क्राइटेरिया रेंज वन बोलता है, यानी कि वन बोल रहा है अभी, आगे टू भी पूछेगा, फिर थ्री भी पूछेगा, फिर फोर भी पूछेगा, मल्टीपल का कंडीशंस, राइट, इसमें मोर देन 100 कंडीशन आप लोग फ्रेंड्स इसके अंदर पूरी कर सकते हैं, मोर देन 100 कंडीशन, राइट। तो क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन, अब पहला कौन सा दूं, स्टोर नंबर 3000 या प्रोडक्ट कोड, कौन सा पहला है, आप कोई भी दे दो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ये एक साथ चेक करेगा, ठीक है। तो मैं पहले स्टोर का दे देता हूं, अभी स्टोर का दे देता हूं, अगला जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो किसी और को दे दूंगा, ठीक है, स्टोर नंबर, तो मेरा क्राइटेरिया जो है स्टोर नंबर, राइट, यहां पर मिलेगा। देन पूछता है इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया क्या है, मैंने बोला जी ये क्राइटेरिया स्टोर नंबर 3000, तो जब मैंने स्टोर का कॉलम सिलेक्ट किया तो क्राइटेरिया मुझे क्या देना है, स्टोर, ठीक है, कोमा लगाया मैंने, देन क्राइटेरिया रेंज टू, नाउ व्हाट इज माय क्राइटेरिया रेंज टू, प्रोडक्ट कोड, तो मेरे को रेंज बतानी है रेंज, तो दिस इज, दिस कॉलम नंबर सी इज माय प्रोडक्ट कोड रेंज, राइट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, एंड देन क्राइटेरिया टू, इस प्रोडक्ट कोड के अंदर मेरे को क्या ढूंढना है, मैंने बोला जी ये प्रोडक्ट कोड ढूंढ दो, ठीक है, सिंपल, ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, एंटर, तो आप देखेंगे इसने मेरे को बताया स्टोर नंबर 3000 पे प्रोडक्ट कोड E0030M की कितनी सेल हुई है, लो जी इतनी सेल हुई है, 36,288 रुपीस की हुई है। अगली कंडीशन देखते हैं, स्टोर नंबर 3000 पे E0030M की मार्च के मंथ में कितने की सेल हुई है, स्टोर नंबर 3000 पे E0030M की मार्च के मंथ में कितनी सेल हुई है, अब मुझे ये निकालना है, राइट, एक क्राइटेरिया और बढ़ गया, तो यहां तीन क्राइटेरिया पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके केस में इससे ज्यादा भी है तो सेम वे आपको फॉर्मूला यूज करना है, जैसे इक्वल्स टू सम इफ एस, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, देन क्या पूछता है सम रेंज, पढ़ते जाओ लगाते जाओ, सम रेंज सेल्स, राइट, कोमा, एंड देन क्राइटेरिया रेंज वन, पहली क्राइटेरिया इन तीनों में से क्या कुछ भी ले लो, प्रोडक्ट कोड ले लेते हैं, पहला मैंने लिया प्रोडक्ट कोड रेंज, कोमा, तो क्राइटेरिया मुझे क्या बताना है, वन, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया है तो मेरे को प्रोडक्ट कोड बताना है, राइट, ये ध्यान रखना है बस, वरना फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, कोमा, क्राइटेरिया रेंज टू, कौन सा है टू, मंथ ले लेते हैं, राइट, मार्च, तो बोली मंथ कहां मिलेगा, यहां पर, कोमा, ठीक है जी, क्राइटेरिया टू, ये मार्च, राइट, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, कोमा, एंड देन क्राइटेरिया रेंज थ्री, क्या रह गया जी, स्टोर, स्टोर, तो मैंने स्टोर को सिलेक्ट किया, कोमा, क्राइटेरिया थ्री क्या है, स्टोर, आप किसी को भी पहले बाद में कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करने वाला है, ठीक है जी, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, एंटर किया, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मार्च के मंथ में E0030M की स्टोर नंबर 3000 पे कितने की सेल हुई है, 18,284 रुपीज की सेल हुई है। तो फ्रेंड्स काफी काम का फॉर्मूला है, किसी भी जगह पे आप काम कीजिएगा, सम तो आपको लगाना ही होता है, कई बार अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर डेटा एनालाइज करने के लिए हम लोगों को सम लगाना होता है, वहां पर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मेरे बहुत काम का हो सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स अगला वीडियो जो होगा इस सीरीज का थर्ड वीडियो वो होगा वीलुकअप के ऊपर, तो प्लीज अगला वीडियो जरूर दिखेगा,
एंड फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस शीट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।